लेकिन वहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह लटा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आतंकवाद से प्रभावी तरीके से और शीघ्रता से निपटने की ओर इशारा किया है। माजरत के साथ, मगर दुख वाली बात है, इसमें उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर भी जोर दिया है और कहा कि हम तो जी दहशतगर्दों को ना सपोर्ट करेंगे और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने वालों को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, इनके खिलाफ हमें अल ऐलान जंग करना होगा। जो NSA डोवाल साहब जो हैं, सो वो कह रहे हैं कि जो पर्पेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म हैं, उनके साथ इफेक्टिवली एंड एक्सपीडिशियसली उनको डील किया जाए और पर्टिकुलरली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है, मौशी हालात ठीक नहीं है, खजाना खाली है, हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है। उन्होंने वही इशू हाईलाइट किए हैं जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में है और वो सीधे पिन पॉइंट होते हैं पाकिस्तान की। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है, जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्क की मसाइल खत्म नहीं हुए। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल रियलिटी। मुल्की हालात बहुत ज्यादा संगीन हैं, बहुत ज्यादा गंभीर हैं। ढके छुपे अल्फाजों में उनका यही कहना था, और जो इंडिया की लैंग्वेज हमेशा पाकिस्तान के लिए किसी भी फोरम पे होती है, ये उससे भी ज्यादा अग्रेसिव थी। ये वही एजेंडा है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दहशतगर्दी के खिलाफ। भारत किसी मूड में नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान के साथ एंगेज करने में, और लगता यह है कि भारत एक टफ लाइन ले रहा है। पाकिस्तान के अंदर होने वाले SCO समिट की, जिसको इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने जी अटेंड किया, और पाकिस्तान का अभी तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोई भी नहीं है। लेकिन वहां पर इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह लटाड़ा और कहा कि हम तो जी दहशतगर्दों को ना सपोर्ट करेंगे और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने वालों को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, इनके खिलाफ हमें अल ऐलान जंग करना होगा। मतलब ढके छुपे अल्फाजों में उनका यही कहना था, और जो इंडिया की लैंग्वेज हमेशा पाकिस्तान के लिए किसी भी फोरम पे होती है, ये उससे भी ज्यादा अग्रेसिव थी। ये वही एजेंडा है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दहशतगर्दी के खिलाफ है, ये वही एजेंडा है जो डॉक्टर अजय शंकर का है, और अजीत डोवाल सर ने भी यही बात की कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्यों ना दुनिया सीरियसली देखे। इंडिया बात करता है लश्कर ए तैयबा की, इंडिया बात करता है जैश ए मोहम्मद की, और भी बहुत से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया को लगता है कि ये हमारे मुल्क के अंदर आकर दहशतगर्दी करते हैं। इंडिया बार बार पाकिस्तान को इस बात के ऊपर जो है पूरी दुनिया के अंदर बदनाम और जलील कर रहा है। सर, इस SCO में भी इंडिया ने जी इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया। देखिए, डेफिनेटली जब इंडिया क्रॉस बॉर्डर की बात करता है तो उसमें अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान आ जाता है। हाँ। अफगानिस्तान के साथ तो वो अपने तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, वहाँ तो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वहाँ तो वो अपना सारा सरमाया लगा रहे हैं, तो पीछे बचता कौन है? पाकिस्तान। वो इनडायरेक्टली, बल्कि अब तो डायरेक्टली ही समझ रहे हैं, वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं। और हमारी अथॉरिटी से मैं बात करता हूँ कि हमारी अथॉरिटीज उनसे जाके ये नहीं कहते कि यार या आप हमसे डायरेक्ट बात करो या फिर बात ना करो। हम ढके छुपे लफ्ज़ों में कहते हैं जी हम इंडिया को वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई वो जाके यूनाइटेड काउंसिल हो या कोई भी जगह, वो डायरेक्ट जाके बात करते हैं कि इंडिया में जो दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के थ्रू हो रही है। लेकिन हमारी अथॉरिटीज ये बात नहीं कर रही कि यार कहां हो रही है, हमें सबूत दो। अगर इंडिया सबूत नहीं प्रोवाइड कर सकता तो फिर पाकिस्तान स्टैंड ले। लेकिन क्या करें, हम स्टैंड भी नहीं ना ले रहे। हमारे लोग जो हैं वे चुप करके बैठे हुए हैं कि यार अगर हम स्टैंड लेंगे तो हमें फिर जाके जो अमेरिका की मदद है वो बंद हो जाएगी, जो एड्स आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी, जो IMF से लोन्स आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो हमारा तो ये मसला है ना कि हम दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री के सर्वाइवल के लिए भी बोल नहीं सकते। देखें, आपने उनका कहा कि जो भी डिफेंस मिनिस्टर है, जो भी है पाकिस्तान का सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल, वो पाकिस्तान के अंदर भी रहे और यहाँ पे भी बहुत बड़ा मिशन करके गए हैं। जो हमारा ये जो एटमी न्यूक्लियर मिशन था, इसको भी नाकाम करने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। हाँ, तो देखें, डेफिनेटली बात है। और हमारा आज तक वो नेशनल कोई सिक्योरिटी ऑफिसर ही नहीं बना, तो हम कहाँ जाके इंडिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं? भाई इंडिया हमें इसीलिए निशाना बनाते हैं, उन्हें पता है कि यार इन्होंने चुप करके खड़े रहना है, इन्होंने बात नहीं करनी। तकरीबन 1947 से लेकर अभी तक है, हम सिर्फ बयान कभी कभी बयान देते तो कभी बयान भी नहीं देते, मजम्मत बाद में कर देते हैं कि जी हम इस मसले की मजम्मत करते हैं। उस मजम्मत से क्या होता है यार? या तो आप जाके स्टैंड लो या फिर आप मान जाओ कि जो इंडिया बात कर रहा है वो NSA डोवाल साहब जो हैं उनकी जो लैंग्वेज है, मैं उसको अगर आपके सामने एक्सप्लेन करूं, वो लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली यू नो ये जो SCO की सेटिंग है इसमें आप बायलैटरल किसी को नहीं कर सकते, आपने एक मल्टीलैटरल अरेंजमेंट है एंड यू हैव टू एड्रेस द चैलेंजेस व्हिच आर फॉर एवरी कंट्री। लेकिन इंडिया जो लैंग्वेज यूज करता है वो डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एटमॉस्फेयर क्या है। सो वो कह रहे हैं कि जो पर्पेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म हैं उनके साथ इफेक्टिवली एंड एक्सपीडिशियसली उनको डील किया जाए और पर्टिकुलरली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। नाउ अब ये जो चीज़ है ना, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दिस इज प्योरली एन इंडियन व्यू फॉर पाकिस्तान।
कि जी ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। इंडिया ने इतना इस पे बोला, इतना बोला, इतना बोला कि नाउ उन्होंने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है जी। अब जारी बात है, ये कजाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ठीक है जी। और एक तो वो जारी उन्होंने ये पाकिस्तान के ऊपर बात की और टकावी उन्होंने बात की है। अब ये जो मैं आपको यहाँ पे एक और बात भी बताऊँ, पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं है, NSA को नहीं, पता नहीं वहाँ सेक्रेटरी हमारा कुछ चला गया होगा, आई डोंट नो कौन गया है वहाँ पे, लेकिन हमारा वहाँ पे हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं। हम किसी को इस काबिल ही नहीं समझते कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो। दरअसल हमारे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि पावर शेयरिंग जो है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ बन गया हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि उसके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन हो, एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि वो सिस्टम के अंदर आए, जो पॉलिटिकल क्लास है वो मजबूरन एस्टैब्लिशमेंट को स्पेस तो दे देती है, लेकिन वो एक फ्रिक्शन और वो चीज़ जो है वो रहती है, वो चीज़ फ्रिक्शन ख़त्म नहीं होती, ठीक है ना जी। और ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि दे आर देयर, और अब वो इसलिए हमने अपने NSA लाए नहीं। लास्ट टाइम मोहित यूसुफ साहब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, वो जिधर भी जाते थे वो कहते थे नहीं, ऐसा इंडियन से नहीं मिलना, हमने इंडियन से बात नहीं करनी। लेकिन ये तो चलो SEO लेवल का प्लेटफॉर्म है, इस पर तो मिलना ही मिलना होता है, आना होता है, लेकिन मुलाकात नहीं करते और एक दूसरे को बड़ी टफ लाइन देते हैं, इंडियंस भी पाकिस्तान को और पाकिस्तान भी इंडिया को। सो ये जो मैं आपको एटमॉस्फेयर बता रहा हूँ कि जिसमें डॉक्टर जयशंकर भी टफ लाइन ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी, और साढ़े पंजाबी कहने ने रुखी जी ट्वीट की थी, मतलब ड्राई से ही ट्वीट की उन्होंने, ठीक है। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ने भी ड्राई से जवाब दिया उनको, छोटे सी ट्वीट का छोटा सा जवाब, और अमूमन ऐसे नहीं होता है। बहरहाल तो ये मुझे ऐसा लगता है देर इज समथिंग विच इज़ ऑन द वे, जिसमें पॉलिटिकल क्लास जो भारत की है वो समझती है, और इन्होंने इस हवाले से वो कहते हैं टफ लाइन लें ताकि इंडिया की जो अपोजिशन है वो किसी किस्म की कोई स्पेस ना क्रिएट कर सके, वो ऐसा माहौल ना पैदा हो सके जिसमें ये कहा जाए कि शायद इंडिया पाकिस्तान के साथ इंगेज होना चाहता है या मिल रहा है या ये गुडी गुडी हो रहे हैं। अब ये जो है वो कहते हैं डॉक्टर जो NSA दोवल कहते हैं जी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये ख़त्म होने चाहिए। सो डबल स्टैंडर्ड्स का वर्ड भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए रखा हुआ, वो कैसे, वो कहते हैं जी आपने जो जो दहशतगर्द अफगानिस्तान वाली साइड पे हैं आप उनको सही समझते हैं दहशतगर्द और उनको लड़ते रहते हैं, और जो कश्मीर वाली साइड पे हैं उनको आप दहशतगर्द नहीं समझते। सो उनके ये एक डेफिनेशन है। अब ये वो जब बायलैटरली बात करेंगे किसी के साथ तो ऐसे ही करेंगे, पाकिस्तान का नाम लेंगे, लेकिन ये क्योंकि मल्टीलैटरल सेटिंग है तो इसमें आप डायरेक्ट मुल्क का नाम नहीं लेते, ये मना है वहाँ पे, ठीक है। एंड देन उन्होंने कहा जी डबल स्टैंडर्ड बांधा होने चाहिए स्पॉन्सर्स फाइनेंसर्स फैसिलिटेटर्स, ये स्पॉन्सर फाइनेंसर फैसिलिटेटर जब FATF था और उसमें डिस्कशन थी तो ये वही चीज़ है, और इंडिया आपको पता है एक बड़ी टफ लाइन लेता था उसमें FATF के अंदर भी, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू पाकिस्तान कि भाई ये नहीं होना चाहिए। एंड देन अगर आप इसे थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको ये भी पता चलेगा कि डॉक्टर जो क्या नाम है उनका NSA दोवल साहब जो हैं वो यहाँ पे नहीं रुके, उन्होंने कहा जी कि ये जो बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि SCO रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है जी। सो SCO में आपके सारे सेंट्रल एशिया भी है, पाकिस्तान भी है, ईरान भी है उसमें, और भी जो सेटिंग ममालिक हैं, तो वो कहते हैं जी कि ये SCO जो रीजन में ऑपरेट कर रहे